इंदौर पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले बदमाशों का उन्हीं के क्षेत्र में पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों ने बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद किया था। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में 2 सितंबर पर बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद में फरियादी राहुल मराठा, राहुल गुजराती, अमन वर्मा को आरोपी अमित सोनी, प्रीतम कुशवाहा ने चाकू मारे थे। शिकायत के बाद लसूड़िया पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर इन आरोपियों ने जहां पर घटना को अंजाम दिया था वहीं घटना स्थल पर ले जाकर उनका जुलूस भी निकाला। इतना ही नहीं, पुलिस ने खलनायक फिल्म का गाना भी बजवाया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर पुलिस से माफी मांगते नजर आए। लसूड़िया पुलिस अन्य मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2 सितंबर को बीट 78 क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी साईं मंदिर के पास, जिसमें राहुल मराठा, राहुल गुजराती और अमन वर्मा को पैरों में चाकू लगे थे। इसमें हमने आरोपी अमित सोनी और प्रीतम कुशवाहा के विरुद्ध धारा 307 IPC का प्रकरण दर्ज किया था और उसके बाद उनकी आज गिरफ्तारी की गई है। दोनों ही पक्ष का विवाद जन्मदिन मनाते समय हुआ था और उस पर से इनके द्वारा चाकूबाजी की गई थी। हाँ, जिस स्पॉट पे उन्होंने चाकूबाजी की थी उस स्पॉट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग उसको लेकर के गए थे। ये जन्मदिन मना रहे थे और वहाँ इनमें आपस में विवाद हुआ, इस कारण से इन लोगों ने चाकूबाजी की। वो दिखवा रहे हैं, वैसे इन पर आपराधिक रिकॉर्ड हैं।